दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। एक टॉपिक है बेलेटिडियम कोलाई, ह्यूमन मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, उसी का पार्ट है ये। हम इसलिए डील कर रहे हैं इसको, सबसे पहला कि एक बी कोलाई जो यूरिन कल्चर में एक रिपोर्टिंग आते रहता है पेशेंट का, उसका नाम बी कोलाई है। लेकिन वो जो बी कोलाई है यूरिन कल्चर वाला, वो ये नहीं है। भले ही इसको हम शॉर्ट में बी कोलाई कहते हैं, लेकिन यह वह बी कोलाई नहीं है, है ना। इसको भी बहुत सारे बुक में देखेंगे ना तो लिखा रहेगा बी कोलाई, बी कोलाई। बट दिस बी कोलाई नेवर कोरिलेट विथ यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, याद रखिएगा। हम पिछले वीडियो में भी एक वीडियो पढ़ाए थे एंटेरा कोलाई में, वहाँ पर ई कोलाई लिखा हुआ है, बट दिस इज एंटेरा कोलाई नेवर कोरिलेट विथ इसीरिचिया कोलाई। इसीरिचिया कोलाई बैक्टीरिया अलग होती है। तो यहाँ जो हम जिक्र करने जा रहे हैं बी बेलेंटिडियम कोलाई के बारे में, ये होता क्या है। बेलेंटिडियम कोलाई एक यूनिसेलुलर पैरासाइट है जो कि इंटेस्टाइन में डिजीज प्रोड्यूस करता है। ये सीलियोफोरा क्लास का प्रोटोजोआ है। सीलियोफोरा, इसका जो डिजीज है लाइफ साइकिल एक होस्ट में पूरा होता है मोनोजेनेटिक मैन, लेकिन इसका रिजर्वायर ऑर्गेनिज्म पिग भी होता है। इसका हैबिटेट स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन एंड सेक्सुअल भी होता है, और रिप्रोडक्शन में इंसिस्टेशन एक्सिस्टेशन मल्टीप्लिकेशन, ये इस पैरासाइट में भी होता है। यानी इस पैरासाइट में सिस्ट और ट्रोफोजाइट दोनों स्टेज आता है। तो सिस्टिक स्टेज जब देखेंगे तो इस तरह से सिस्टिक स्टेज का आपको फिगर मिलेगा आपको, है ना। एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस दो दो रहता है इसमें, और ट्रोफोजाइट इस तरह से आपको पॉइंटेड इन रहता है टेल की तरह, है ना। इसके चारों तरफ क्या रहता है, छोटा 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 सिलिया होता है, इसीलिए तो इसको लोग सिलियो फोड़ा बोलते हैं, क्योंकि इसका लोकोमोटिव ऑर्गन सिलिया होता है, है ना। तो ये सीस्ट है और ये ट्रोफोजाइट होता है। चलिए हम लोग बात चलते हैं इसका लाइफ साइकिल से, कैसे कैसे लाइफ साइकिल होता है इसका। तो इसका जो सिस्टिक स्टेज होता है, सिस्टिक स्टेज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में ये मिलता है। सिस्टिक स्टेज को ही बोलते हैं इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं, और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा हमारे बॉडी में जीआईटी में ये चलाता है, और यहाँ पर आने के बाद गैस्ट्रिक जूस से इसके सिस्ट का कोई एक्शन नहीं होता है, है ना। सिस्ट नॉट डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक जूस, याद है गैस्ट्रिक जूस से ये नहीं मरता है। फिर कहाँ चला जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने पर ट्रिप्सिन इसको क्या करता है, ब्रेक करता है। इस पर ट्रिप्सिन एक्ट ऑन किस पे, सिस्ट पर। इसकी वजह से क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू अमीबा फॉर्म, दो अमीबा बनता है। ये अमीबा क्या होता है ना, न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन अपटेक फ्रॉम कहाँ से, जीआईटी से, और उसके बाद क्या होता है, फिर ये ट्रोफोजॉइट में चेंज किया जाता है, ट्रोफोजॉइट में। और ये ट्रोफोजॉइट में क्या होता है, सीलिया होता है बहुत सारे, इसके कारण क्या होता है कि इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हाई हो जाता है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, याद रखिएगा हम शॉर्ट लिख रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होता है ना, पेशेंट को डायरिया होगी। फिर क्या होगा कि सिस्ट कहाँ पहुँच जाएगी, सॉरी ट्रोफोजॉइट कहाँ पहुँच जाएगा, फिर ट्रोफोजॉइट रीच इन कोलोन, और कोलोन में क्या बनेगा, सिस्टिक स्टेज। उसके बाद इस पेशेंट के डायरिया से दोनों स्टेज बाहर पास करेगा, डायरिया से क्या क्या पास करेगा, सिस्टिक स्टेज भी और प्लस ट्रोफोजॉइट स्टेज भी। ट्रोफोजॉइट स्टेज जो होता है वो क्या होगा, एनवायरमेंट में आकर के डेथ कर जाएगा, सिस्टिक स्टेज फिर रह जाएगा, फिर वो दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। यह सिस्ट हो सकता है कि पिग में भी जा सकता है, और पिग में भी वही चीज़ प्रोड्यूस करता है जैसे ह्यूमन प्रोड्यूस करता है। तो क्या किया, फिर सिस्टिक स्टेज कंटामिनेटेड फूड वाटर से चला गया बॉडी में, गैस्ट्रिक जूस का कोई एक्शन नहीं हुआ, आगे चल करके इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में बाइनरी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वहाँ पर दो अमीबा बनता है, वो अमीबा फिर आगे चल मैच्योर होकर के फिर कन्वर्ट करके ट्रोफोजॉइट बन जाता है। ट्रोफोजॉइट की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हाई हो जाता है,
कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कुछ कोलोन से जाकर चिपक जाता है, लेकिन वह भी फिर क्या होता है सिस्टिक स्टेज बन करके बाहर निकल जाता है, लेकिन ये कभी भी इंटरनल ऑर्गन में नहीं जाता है, इसलिए हम लोग यूरिन कल्चर में इसका कभी जिक्र नहीं कर सकते हैं। वो अलग है जो वहाँ पर जो यूरिन कल्चर में जो बी कोलाई का रिपोर्ट आता है, यूरिन कल्चर में जो बी कोलाई का रिपोर्ट आता है उसको बेसलस कोलाई कहते हैं, वो बैक्टीरिया है, लेकिन ये जो बी कोलाई है ये उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका अपना एक मैकेनिज्म है, अपना एक लाइफ साइकिल है जो लाइफ साइकिल प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से डिजीज़ क्या होती है, अबडोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, माल न्यूट्रिशन, माल ऑब्जॉर्प्शन, ये प्रॉब्लम पेशेंट को होगा। इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, आरईओ फिस्टुल कराएंगे, उसमें आपको ट्रोफोजाइट और सिस्टिक स्टेज आपको फाइंडिंग हो जाएगी। इसका अगर पेशेंट मिलता है तो हम लोग उसको डायरिया का ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी उसके लिए हम लोग मेडिसिन देना चाहते हैं देते हैं उसको, और इस ढंग से हम लोग इस पेशेंट इसको हम लोग एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन देकर के ठीक कर देते हैं। ये था मेरा बी कोलाई, इसी को बेलेंटिडियम कोलाई कहते हैं। लेकिन फिर वह लास्ट में कहते हैं वो जो बी कोलाई का रिपोर्ट आता है यूरिन कल्चर में वह बेसलस कोलाई है, ये पैरासाइट है, वो बैक्टीरिया है, ये कभी भी यूरिन से बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लाइफ साइकिल चलेंगे। थैंक यू।